सोशल मीडिया ट्रेंड कितना खतरनाक होता है, यह आपको आज की वीडियो में जानने को मिलेगा। आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए बच्चे हो या बड़े वायरल वीडियो के कंटेंट को फॉलो करने लगते हैं और यही कंटेंट ट्रेंडिंग बन जाता है। ऐसा ही एक ट्रेंड है जो टिकटॉक पर वायरल है, जिसका नाम है क्रोमिक ट्रेंड, जिसने ना जाने कितनों की जान ले ली और कितनों को ही मौत के करीब ले आई। Chroming incidents. Called chroming. Chroming. It's a dangerous TikTok challenge. Dangerous trend that a dangerous online challenge like TikTok. इसी ट्रेंड से जुड़ी एक घटना है निकोला किंग के बेटे की, जिसने अपनी मां के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने के समान वाक्य कर दिया। लंदन के डॉनकास्टर की रहने वाली निकोला किंग, जिसकी आयु 36 वर्ष है, ये अपने 2 साल के बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग समाप्त कराने के बाद सोने के लिए जा रही होती है, तभी अचानक उन्हें अपनी रसोई से तेज आवाज सुनाई देती है। यह आवाज कर्राने जैसी थी। जिन्होंने सोचा कि उनके बेटे सीजर, जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष है, उसकी हड्डी टूट गई होगी या फिर कुछ और हो गया है, लेकिन निकोला आवाज सुनते ही तेजी से रसोई की तरफ दौड़ती है और देखती है कि उनका बेटा फर्श पर पड़ा हुआ था और उसकी आंखें पीछे की तरफ घूम रही थी। यह सब देखकर निकोला जान गई कि सीजर को दिल का दौरा पड़ा है और वह तुरंत फोन लेने के लिए दौड़ पड़ती है और अपने बड़े बेटे को भी आवाज लगाती है, लेकिन निकोला इतनी घबरा गई कि उसके हाथ कांप रहे थे और वह एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन को अनलॉक भी नहीं कर पा रही थी। इनके बड़े बेटे, जिसका नाम कैडिन है, वह एम्बुलेंस को फोन लगाता है और निकोला को लगा कि उसका बेटा सीजर गिर गया होगा और उसके सिर पर चोट लगी होगी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि उसके बेटे का शरीर नीला पड़ने लग गया था, साथ में सांसें भी रुक गई थी। उन्हें लगा कि शायद उसने अपने बेटे को खो दिया है और इससे वे सदमे में भी थी, क्योंकि वे अपने बेटे को अपने सामने मरते हुए देख रही थी। लेकिन निकोला किंग फिर भी हार नहीं मानती है और पैरामेडिक्स के आने का इंतजार करते हुए अपने बेटे की सांस को बहाल करने के लिए CPR देना शुरू कर देती है। इसके बाद एम्बुलेंस आती है और पैरामेडिक्स CPR देते हुए उसे अस्पताल लेकर आते हैं, जहां उसे कई बार दिल का दौरा पड़ता है और कार्डियक अरेस्ट भी हुआ, जिसके बाद उसे 2 दिन के लिए मेडिकली रूप से कोमा में रखा गया और 8 दिन अस्पताल में रहने के बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन इनकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि इस पूरी घटना का कारण निकोला को पुलिस द्वारा बताया गया। पुलिस ने निकोला को बताया कि जहां सीजर गिरा था, वहां उसके पास एल्डिलेकुरा एंटी सर्पिरेट का एक डब्बा मिला था। यह सुनते ही निकोला समझ गई कि उसके बेटे सीजर ने डिओडोरेंट सूंघ लिया था, जिसे क्रोमिंग के नाम से भी जानते हैं, और क्रोमिंग के बारे में निकोला को उसके बड़े बेटे ने सोशल मीडिया पर चल रहे मस्ती करने के ट्रेंड के बारे में बताया था। दरअसल क्रोमिंग वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति पेंट, सॉल्यूशन, एरोसोल के डिब्बे या क्लीनिंग प्रोडक्ट या फिर पेट्रोल जैसे पॉइजनिंग केमिकल को सांस के माध्यम से अंदर लेता है या फिर उसकी स्मेल को सूंघता है, तो इसके परिणाम स्वरूप थोड़े समय के लिए उन्हें नशा तो होता है, लेकिन इसके कभी कभी दुष्परिणाम भी हो जाते हैं। Chroming is an online trend. It's a challenge that involves intentionally inhaling chemicals or vapors to become intoxicated, and it's dangerous. यह खतरनाक है क्योंकि ऐसा करने से बोलने में कठिनाई हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, आपको मति भ्रम भी हो सकता है और आपको चक्कर आने के साथ साथ दिशा भ्रम जैसी समस्या भी हो सकती है और साथ में दिल का दौरा और दम घुटने जैसी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है। Chemicals can cause long-term brain issues, heart attacks, seizures, coma, choking, suffocation, organ damage, or even death. Experts say. निकोला के साथ हुई घटना से निकोला ने तो सबक ले लिया और उसने सभी प्रोडक्ट फेंक दिए जो स्प्रे या डिओडोरेंट थे और अब वे लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाना चाहती हैं। लेकिन निकोला के साथ घटी यह घटना ऐसी पहली घटना नहीं है। इस क्रोमिक ट्रेंड के कारण बहुत से बच्चों ने अपनी जान भी गंवा दी है। ऑस्ट्रेलिया के 13 वर्षीय इसराइंस ने इसी ट्रेंड के चलते 31 मार्च 2023 को अपनी जान गंवा दी। A 13-year-old girl from Melbourne has died in an accidental chroming incident. Ezra Haynes, who was a year 8 student at Leedale High School, went into cardiac arrest after inhaling chemicals on Saturday. सितंबर 2023 में 14 वर्षीय सारा मैक्सवेल ने और मार्च 2024 को 11 वर्षीय बच्चे ने इसी ट्रेंड के कारण अपनी जान गंवा दी। और अप्रैल 2024 में अमेरिका की 12 वर्षीय लड़की ने डिओडोरेंट की 5 से 6 डिब्बे सूंघ लिए, जिसका पता उसकी माँ को लगा तो उन्होंने तुरंत उसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट करवाया और उसकी जान बचा ली। लेकिन इस क्रोमिक ट्रेंड के कारण इससे भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है और इस क्रोमिक शब्द का लगभग 2009 में प्रचलन हुआ था, लेकिन इसका ट्रेंड सोशल मीडिया में पिछले कुछ सालों से होने लगा है और यह ट्रेंड टिकटॉक पर काफी ज्यादा वायरल है।